लगन बड़बड़ाती रहा, कुछ और भी काम है, मैं कभी प्यार से बात भी कर लगन। बोल क्या क्या है, बोल। मैं तो कुछ नहीं करवा रही, पड़ोस में मर्जी ना मर गई, कम से कम भाव चलिए भलाई दिलो किसी की। इसमें भलाई क्या बात है, वो कैसे मिलेगी? बिल्कुल ही पागलो, देखो जब कोई मर जाता है तो उसके घर में जाया करते हैं और उसकी पढ़ाई करते हैं कि उसने अच्छे काम किए थे। इससे क्या होएगा? होगा क्या, तुम लोगों की नजर में आ जाओगे और लोग ये कहेंगे कि शेख चिल्ली ने हमारे घर आके तसल्ली दी थी। मेरी बात मान ले, तुम तसल्ली का नाम मत लेना, तसल्ली की छोड़ दे तुम बात। क्यों, तसल्ली में क्या जाता है? मैं जाता क्या, एक बार जब तूने मुझे उस पहलवान के घर भेजा था तसली देने के लिए, सालो ने तसली देने में बहुत मारता। एक बार सुन, तो तू मुझे तसली देने के बाद भेजा, साले मुझे तसली देने में मारते लोग। देखो आज कुछ नहीं होगा, चले जाओ, पड़ोस का मामला है। मैं पड़ोस का मामला कुछ भी हो, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, साले फिर भी मारे मुझे। तुम पिटते हो अपने मुर्खताई से, बस कुछ मत बोला करो, उनकी बातों का जवाब हां ना में दिया करो। हां ना, हां ठीक है, ऐसे तो मैं चला जाऊंगा, हां ना करना। हां ना, हां ना, हां ना, ठीक है, हां ना। तू ऐसा कर, गधे को बाल मैं तसल्ली देने का वादा ले लूं। हां ना, ठीक है, हां ना, बाप तो सबर करने में फायदा, सबर करना चाहिए। हां सबर करना पड़ेगा भाई। सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। आओ सेठ जी, आओ बैठो। आ तो गए, हमने सुना मर्जी ना मर गई। हाँ भाई, जो आदमी आया वो जाना तो है ही, मगर दिखाओ कहाँ है भाई। इसे अभी दफन कर दफना है। इतनी जल्दी क्या दी दफनाने की, हमें बतलाया भी नहीं, हमें दिखलाया भी नहीं है। वह कम से कम दो चार दिन तो रोने देते कुलबे को। सेठ जी काम की बात करो, काम की, काम की बात करे। मैं किसी का डर था, किसी का डर था, मैं तुमने मारी है, अपना मारी है। क्या तुमको लगता है झूठ बोल रहे? हाँ जी। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? ना जी। तो हमने उसको खुद मारी? हाँ जी। यहाँ तो बकवास करने आया? हाँ जी। इसका मतलब तुम्हें यकीन नहीं? ना जी। ओए तू चला जा यहाँ से, कोई सुनागा तो हमें पुलिस में पकड़वाओगे। हाँ जी। तू तो बहुत कमीना आदमी है। ना जी। तो पीछ के ही जा रहा? हाँ जी। बहुत बदतमीज आदमी है यार, ऐसा जलील आदमी आज तक हमने देखा भी नहीं। तो तू पीछ के ही जा रहा यहाँ से? हाँ हाँ जी, हाँ जी। बताओ जी, इसे मौत के टाइम पर मजाक सोच रहा है? बहुत बदतमीज है। ताले अब नहीं जाऊंगा, पूरा गांव मर जाए ताले तसली देना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? अजी तुम्हें कुछ काम भी है या हर वक्त रोते रहते हो? तुमने पूरे घर में नेस्ती मिला रखी है, घर की बरकत खत्म हो गई है। घर की बरकत हो गई है जब तक जवाब चला रही, जवाब चला रही, तसल्ली दिया ना तो मुझे तसल्ली देने को उसके घर भेज दी साले के। और ना मेरी पिटाई होती सच्चो, और मैं तल्लू कह रही मेरे से हाला करते रहे ना, हाला करते रहे ना, हाला करते रहे ना, साले हाला के चक्कर में मेरी तुड़वा दी गई। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं खाना बनाती हूँ, फिर खाना। खाना बनाती है? ओए ओए सच्चो, एक बात ली, ये क्या सच्चो चना छील के पका रही है? ओहो ये चना नहीं आलू है। या अल्लाह, हरामजादों ने इतना मारा कि ना आलू में चने दिख रहे हैं। मैं तो कहूँ हरामजादे ईद वाले दिन मरे। सच्चो ये तो गड़बड़ होगी साले, ईद के दिन मरे या सुबरात के दिन, पर ये गड़बड़ होगी सच्चो सच्चो। वह मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तेरी आंखें भी छोटी बड़ी दिखाई दे रही है सच्चो। कुछ हो गया मुझे तो सच्चो, मेरी आंख तो क्या होगा, मुझे दिख नहीं रहा कुछ। होगा क्या सच्चो, ये लो पैसे और तुम 10 रुपए वाला चश्मा ले आना और एक दर्द की गोली भी। है? ये 10 रुपए? वाह मुझे तो लग रहा है नेपाल का 1 रुपया साला। 10 रुपए हैं ठीक है, जा रहा हूँ।
जी बोलो क्या दुख है? डॉक्टर साहब बोलना क्या, मुझे तुम छोटे छोटे दिखाई दे रहे हो, अरे मेज भी, मेरी आँख चेक करो। तो तुम्हें चश्मा दे दूँ? अच्छा ये बताओ मैं कितना छोटा दिख रहा हूँ? बता भाई क्या डॉक्टर साहब, तुम मुझे ऐसे दिखाई दे रही हो जैसे कुत्ते का पिल्ला। मुल्ला जी तुम होश में तो हो, मुझे कुत्ते का पिल्ला बता रहे हो? डॉक्टर साहब मैं तो उदाहरण दे रहा था, तुम तो आदमी के बच्चे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहे, तुम बतला रहा हूँ। दवाई नहीं तुम्हें चश्मा देता हूँ, उसमें तुम्हें हर चीज बड़ी दिखाई देगी। ठीक है दे दो। ये लो मुल्ला जी अब लगा के दिखाओ मुझे मैं कितना बड़ा दिखाई दे रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब अब मुझे खूब बड़ा दिखाई दे रहा। बोलो कैसा चमक रहा हूँ? डॉक्टर साहब अब तुम मुझे सही बतलाओ, ऐसे दिख रहे जैसे कोई गधा, और ये मेज ऐसे बोल रहे तकत। मुल्ला जी आप बहुत बड़े पागल हो, मुझे गधा बता रहे हो? तुम जैसे दिख रहे मैं ऐसे तो बतला रहा हूँ। अच्छा निकालो 10 रुपए और फूट लो यहाँ से। ठीक है ये लो 10 रुपए। अगर तुम ग्राहक ना होते ना तो बहुत मारता, मुझे कुत्ते बता रहे हो गधे बता रहे हो। ठीक है चुप कर डॉक्टर मैं जा रहा हूँ। कैसे कैसे नमूने आते हैं मेरी दुकान। अंगूर अंगूर कच्चे मीठे अंगूर, अंगूर 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 चाचा अंगूर ले लो मीठे हो रहे बिल्कुल। अंगूर लो अंगूर मैं देखने बिल्कुल पागल है, गुब्बारे का रेट मालूम नहीं है खड़ा। बता गाली किसको दे रहा मुल्ला जी? मैं गुब्बारे का रेट पूछ रहा हूँ, गाली तुझे दे रहा हूँ सारा पागल है बिल्कुल। गुब्बारे दिखाई दे रहे अंगूर है अंगूर मैं साले फिर झूठ बोल दिया साले, गुब्बारे को अंगूर बतला दिया। जा चला जा पीठ पे जा आवा जा। मैं साले की साई दिल पलट दूंगा, साला भी दिख रहा हूँ सारा का लिखवा दूंगा गुब्बारे से। सुबह सुबह बोनी और खराब करवा दी। अंगूर अंगूर मैं किसके घर में आ घुसा भाई, इतना बड़ा घर कितनी तगड़ी लुगाई तरबूज और पेट, मैं पेट की पूछा मत, पेट तो बिल्कुल कुठला। हाँ सचो तेरी टांगे जो नहीं मुझे ऐसे लग रही है जैसे किसी हवेली के तमले। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, जाओ गधा चला के आओ। गधा ये हाथी गधा बांध लिया कमबख्त। शेख जी ये क्या पागलपन कर रहे हो तुम, और चश्मा कितने का लाए? कुछ पैसे बचे थे तो अंगूर ले आते। अंगूर लेना मैं कमबख्त पैसे इतने दिए और मैं अंगूर लेने गया अभी था, सारा ठेले पर रखा गुब्बारे बेच रहा गुब्बारे, साले मेरे साले का दोनों बाटे मारे, साला लगते हिल गया, साले को खूब मारा मेरे साले को। और उसने कुछ नहीं कहा? कहता क्या नहीं, साले मारने को भागे, मारने को भागे शेख जिल्ली को, मेरे पिटाई कर देते, मैं पकड़ा जाता था, साले का हाथ नहीं आया था। शेख जी मुझे लगता है चश्मा खराब है, उतारो उसे। ले उतार दिया। ओए घर भी मेरा ही है, तू भी ठीक मिली, गधा भी चमक गया मुझे तो। देखा ये चश्मा खराब है, चलो अंदर, कल को इस चश्मे को वापस करके आएंगे डॉक्टर को।
चल ठीक है हजारे का, हजारे तो बेकार लगा दिया मेरे। केले, अमरूद मोटे मोटे लंबे एक फुट के खाली है। नहीं मुझे भी खाने हैं। खा लिए मुझे भी खाने। चल केले खा लो। और क्या तुम खाओ ना खाओ मुझे तो भी खाने हैं। भाई चार केले दे दी, चार केले दे, चार केले लो बस, चार चार फटक ले। अब तो बढ़िया लगेंगे जब खाने देते। शिव जी पैसे दे दो। भाई यार कितने पैसे हो गए? बोलो भाईजान। हाँ हाँ बताओ भैया। मुल्ला जी पूरे 50 रुपए हो गए। क्या 50 रुपए हराम की दौलत है? हाँ भाईजान तुमने तो हद ही कर दी, इतने महंगे तो बिकते केले, चार केले 50 रुपए की। देखो मैडम बिगर भाव के केले खाए हैं, अब तो 50 रुपए पूरे लगेंगे। ठीक है ले भाईजान ले 50 रुपए ले, ये पूरे हैं ले। ये हुई ना बात, आखिर कायदा कानून भी तो कुछ चीज है, हिसाब बराबर। मगर भाईजान हमारे छिलके कहाँ गए? कहाँ गए, उन्हें तो बकरी खा गई। शेख जी हर वक्त पागलपन की बातें करते हो, छिलके भी कोई मांगता है? भाईजान चुप की रह। सुन भाई मुझे छिलके चाहिए और तेरी बकरी को ले जाऊंगा साली को। ओ मुल्ला जी क्या हराम की आ रही है बकरी? बकरी ले जाऊंगा साली को, बकरी को ले जाऊंगा। देख कैसे ले जाएगा बकरी। अरे मुल्ला जी कैसे लाल पीले हो रहे हो? लाल पीले क्या भाई जान, हमने इसके ठेले से चार केले खाए। एक तो ये रखा 50 रुपए के। 50 रुपए के चार केले? हाँ भैया देख लो। अबे दे भी दिए हमने 50 रुपए। तो अब लड़ाई क्या है? बकरी ले जा रहा है मेरी। बकरी क्यों ले जा रहा हूँ मुल्ला जी? मैं मेरी बात सुनो भाई जान। सुनाओ। बकरी इसलिए ले जा रहा हूँ वे जो हमने केले खाए हैं इनके छिलके बकरी खा गई। अच्छा, और वे छिलके मेरे 100 रुपए का थे, या तो ये बकरी देगा 100 रुपए देगा। भाई इस बात में तो मुल्ला जी की दम है। तो भाईजान एक काम करो, केले के पैसे कम करवा लो। मुल्ला जी हाँ जी 10 रुपए चार करा दूं? करा दो जैसा करा दो, मैं तैसे मान लूंगा भाईजान। ला भाई पैसे। ठीक है ये सही है भाईजान। सुनो आ जल्दी आ कम मगर। अब क्या रह गया? इसका तो फैसला करवा दिया मेरा था दूसरा मेरा अभी। बोलो क्या? मेरी यहाँ से 100 रुपए दिलवा या बकरी दिलवा मुझे। वो क्यों? वो इसलिए वे मेरे छिलके 100 रुपए के थे, एक वे इस बकरी ने खा लिए 100 रुपए के छिलके। हाँ और इसने तो अपने केलों के कम कर दिए पैसे। हाँ मेरा मिजान नहीं है कम करने का, मैं पूरे 100 रुपए लूंगा या बकरी लूंगा। भाई अब तू बता तू बकरी देगा या 100 रुपए देगा? बकरी तो जी मैं देने का ना। तुम एक काम करो 100 रुपए लो और मुल्ला जी से मेरा पेंट छुटवाओ। चल ठीक लो जी मुल्ला जी। ठीक है ये बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल खुश है। चलो 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 भाई, अगर तू पहले ही 10 रुपए के दे देता चार केले तो तुझे 100 रुपए देने ना पड़ते। ठीक है भाई साहब, मैं आगे कभी गलती नहीं करने का। चलो समाज ईमानदारी से बुक किया करो दुकानदारी। ठीक है सारा पागल माना शेख चिल्ली को, शेख चिल्ली पागल है सारा। आया साले का 100 रुपए हट लिए साले के। शेख जी मेरी मानो, ये उनके पैसे वापस कर दो। हमें ना चीफ की दौलत, फ्री की दौलत में चाहिए बस। साले का बिल्कुल नहीं कर ले, सारा पागल बना रहा, उसके पैसे फ्री कर ले नहीं वापस कर ले नहीं। क्या साले कुछ भी करना हो मुझे। ठीक है तुम्हारा तो ईमान खराब हो गया। लो ईमान चली ईमान सुन ले रही। ईमान मेरी बात ने गोली मान।
हम कर देंगे गोली कहीं जाके इनको दान, हम कर देंगे गोली कहीं जाके इनको दान। वो अच्छा है इंसान जो बुरा भला पहचान, तेरी की माया को कर देना चाहिए दान। हम कर देंगे गोली कहीं जाके इनको दान। नेक कमाई अल्लाह ने ठीक बताई, तुम सच्ची बोलो जी मेरी बात समझ आई। लूट की दौलत से सदा होता है नुकसान, हम कर देंगे गोरी कहीं जाके इनको दान। हम कर देंगे गोरी कहीं जाके इनको दान। देख रहा गोरी जो करता यहाँ चोरी, जो पाप कदम होता वो जाता है मोरी। बस खुदा भरोसे की सच्ची होती है शान, हम कर देंगे गोरी कहीं जाके इनको दान। हम कर देंगे गोरी कहीं जाके इनको दान। भरोसे जीना जीवन में रहे दुखी ना, बस खुदा नाम पे रहना चाहे पड़े जहर तक पीना। अल्लाह ईश्वर तो होते हैं एक समान, हम कर देंगे गोरी कहीं जाके इनको दान। हम कर देंगे गोरी कहीं जाके इनको दान। वो अच्छा है की माया को कर देना चाहिए दान। हम कर देंगे गोरी कहीं जाके इनको दान। बाजी तुम एक काम करो मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। सजो खाना अभी नहीं खाना, पहले मुझे नहाना है, एक बाल्टी ठंडा पानी ला के दे दे। ठंडा पानी? हाँ। वो तो बाहर से लाना पड़ेगा। शेख जी लेट गए, एक बाल्टी ठंडा पानी ला दो, बाजी नहाएंगी। हाँ। नहाएंगी बाजी, पानी शेख जी लाएगा, खाली सारा दिमाग तो खराब नहीं होगा, सारा बाप पर रोक लग रहा हूँ। नहाने का पानी मंगाएगी, मल और तुम्हें कमाल और मल दूंगा मैं। सज्जो तू तो कहती थी कि तेरे शेख बहुत ही काम आते हैं, देख लिए तेरे शेखू। सज्जो अगर आज शेख जी पानी ना लाए तो तेरी बहुत बेइज्जती होगी। शेख जी तुम पानी लाते हो या नहीं? मैं बोल क्या कर रही है, लेने की आंख दिखा रही है, आंख दिखा रही है लाली, अपना काम कर आराम करने दे। मैं कहती हूँ पानी ला रहे हो नहीं तो कुछ हो जाएगा इस घर में। कुछ भी हो जाओ पानी नहीं लाऊं और वो भी नहाने को, शेख चिल्ली को पागल समझ रही है, पागल समझ रही है साली शेख चिल्ली को। हैं अपना काम करो दोनों के दोनों। सज्जो तू क्या शेख जी से डरती है? बाजी तुम मेरा साथ दोगी? खा दूंगी, पानी तो मैं मंगा कर रहूंगी। बेमान वाला मान जाओ, अरे साली दोनों को ठीक कर दूंगा, दही तोड़ दूंगा सारी होगी। मेरी बहन के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो? अगर माँ का दूध क्या है
तो हाथ लगा कर दिखाओ। देख लिया माँ का दूध, साले बकवास कर रही है खड़ी खड़ी। बाजी मुझे घर घर पिटवा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अच्छा ये बात है, बेल दो। बेल दो? अभी मेरी आंख लाल होने वाली है, मुझे गुस्सा आने वाला है। आंख लाल होने वाली है मेरी, मुझे गुस्सा आने वाला है। देखो निकल ऐसा गाली कर ले, दबा ले ऐसा। जब तुम्हारे कहने से छोड़ दूंगी तो मैं अपना सुन लूंगा। निकल जा, आए साले भीड़ लगा ले आए हैं। ये बात ही करना तुम्हारा छोड़ दे तुम पकड़ मैं लाल का पानी पानी लाते हो नहीं लाओगा? हां लाऊंगा लाऊंगा क्या करो, बोले छोटा तरीका पकड़ा। हां पानी तो लागो कब बगदा, पहले ये बता मुझे। तब गुस्से मार रही थी मजाक में। गुस्से में मारा, बोलो क्या करोगे? मैं करता क्या, मुझे भी मजाक पसंद नहीं है पगली। अच्छा जाओ पानी लेके आओ जल्दी से, चल जा पानी लेके आओ। खड़े हो जा। तहसील गए तो बैनामा हो गया? बैनामा तो होगा पर भैया कुछ पैसे उधार रह गए। अच्छा। भाईजान पैर कैसे बंद हो गई? बिजली भाग गई शेख जी, आज तुम्हारे हाथ में घड़े कैसे सज्जो कहांगी? वाह भाईजान पूछा मत, ला तू मेरी मत पूछे बिल्कुल भी। आज हमारे घर में डबल फेस आया हुआ। अच्छा पानी तो साफ है ना? पानी तो गंदा हो गया। गंदा हो गया कुछ बेदाल, पानी भी गंदा ले जाता हूँ। साली बजे का धारा साली फिरती फिरेगी अपना। ले जाओ तो गंदा ही ले जाओ भर के। से दो तो साले मुझे ऐठा देंगे दो तो। वाह भाई यार मेरे सर पर घड़ा रख दे भाई। अच्छा रख दे रख दे। छोड़ ना जाए शेख जी। वाह रख दे। आगे का पहाड़े पढ़ा रहा। भाई साहब वो काम हो गया? हाँ हो गया। देखो सेक्सी ले आ रहा हूँ। देखो आ तो रहा है, आ तो रहा है। चलो आज मैं सेक्सी को नचा दूँ। सेक्सी देख लो, तुम्हें नाच के दिखाना। नाच के दिखाना? हाँ क्यों नाचना? तुम आज फारूक के लड़के के साथ ही हो। मैं फारूक के लड़के के साथ ही? मुझे क्यों नाचना, मैं नचा रहा हूँ। नाचना पड़ेगा तुम्हें। नाचना पड़ेगा? हाँ तब मैं अकेला नहीं नाचूंगा भाई साहब। लड़के को नचा रहे हैं हम। नचाओ दोनों नाचो, तुम और ये लड़का नाचो। चलो बजा।
मार रही है। ए चुप करो बाजी, तुम्हारे चक्कर में मैंने इतना रोब जमा दिया उनके ऊपर। तू डरती है सेठ जी से? और क्या, मैं तो कभी उनसे आग उठा के बात भी नहीं करती। पता नहीं उन्होंने तुम्हारी शर्म कर ली, नहीं तो मेरा बक्कल उतार देते। है सज्जो तू भी। अच्छा ऐसा है, मैं नहाने जा रही हूँ और जब तक मैं कपड़े उतारती हूँ जाके, पानी जैसे ही लेके आए मुझे दे देना। ठीक है। बाजी अगर नहा लियो तो आ जाओ, देखो पानी आ गया है। मैं पानी तो लाया था कम नफल, मगर क्या करूं, राजदेवा फारूक के लड़के की शादी थी आज और वो लोग मेरे से लिपट गए, छोड़ा ही नहीं। सेक्सी डांस दिखाओ, सेक्सी डांस दिखाओ, सेक्सी डांस दिखाओ। तुम नाचने लगे और ये घड़े फोड़ दिए है ना। सज्जो ये जानबूझ के घड़ा फोड़ के आए हैं, कहीं मैं नहा ना लूं। हाँ मैं, मुझे तेरा बहुत डर पड़ रहा ना। साली आई है चक्कर, मैं तेरे नहाने के चक्कर में चार आदमी का दिल तोड़ देता मैं। सज्जो कुछ भी हो मुझे एक बाल्टी पानी चाहिए, नहाना है मुझे। शेख जी एक बाल्टी ले जाओ और पानी ला दो। एक बाल्टी मैं मुझे नहीं ला रहा, पानी ला दे एक बाल्टी पानी ला दे, मेरे तो अपना कथा चलाना जाना, साले अपना काम करो। सज्जो आज शेख जी से पानी मंगवाना है, पकड़ ले इसे। पकड़ ले साले, सुनिए साले, वो तो मैं तुम्हारी शर्म कर दी साले, मगर चल मेरे बात ना साले, अभी दे साले मारे भी तुम्हें, साले मारे भी तुम्हें। जब तक यहाँ रहूंगी मैं तो पानी पीने को भी ना मांगू ना।